तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम प्रोटेक्शन रिपोर्ट ऑटोमेशन के बारे में जानेंगे। तो मेरे पास एक फाइल है, मेरे पास एक हमारी एक क्लाइंट है मिस्टर सुधीर, उनकी एक प्रॉब्लम है तो वो आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। तो बेसिकली क्या है कि उनकी एक फैक्ट्री है जो चैन बनाती है, जो बाइक और सबकी जो चैन होती है ना, वो चैन की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो उनका क्या है कि वो पूरी का अपने प्रोटेक्शन को ऑटोमेट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मेरा अपने आप सब कुछ अपने आप होता रहे। तो उनके लिए देखिए मैंने क्या है कैसे शीट्स बनाया, जैसे प्रोटेक्शन प्रोडक्ट लिस्ट, उनके पास कौन से कितने प्रोडक्ट हैं, फिर यहाँ पे आता है स्टॉक स्टोर कि स्टोर में कितने स्टॉक हैं, फिर यहाँ पे आता है स्टॉक उनका रेडी प्रोडक्ट कितना है, फिर यहाँ पे आता है आपका एम्प्लॉय कितने हैं, एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय की अटेंडेंस, इसके बाद मशीन लिस्ट कितने मशीन हैं और किस प्रोडक्ट को बनाने में कितना प्रोसेस लेते हैं उसका, और ये हमारा आ गया प्रोडक्शन कॉस्ट कि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना है। ये हमारा रॉ मटेरियल है और ये रॉ मटेरियल का वेस्टेज है। सबसे पहले प्रोडक्ट लिस्ट से हम आते हैं, तो प्रोडक्ट लिस्ट में यहाँ क्या है, पीआईडी है। पीआईडी मतलब कि प्रोडक्ट का आईडी है। तो यहाँ पे वन कर दिया और मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा, मान लीजिए वन, डेट मैंने आर्ट का डाल दिया और प्रोडक्ट का नेम मान लीजिए कि प्लेट मैंने कर दिया यहाँ पे प्लेट, साइज हमने 4x6 का कर दिया, और इसका लोकेशन मतलब कि यहाँ पे स्टोर लोकेशन मतलब कि ये सेव कहाँ है, तो यहाँ पे स्टोर की डिटेल्स है, स्टोर लोकेशन वन, रूम नंबर वन, नॉर्थ में जोन नॉर्थ है, सेक्शन ए है, रैक नंबर वन के लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। तो ये यहाँ पे हम यहाँ डालेंगे, तो जितने भी प्रोडक्ट डालेंगे, प्रोडक्ट जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग वन बाई वन करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि वी लुकअप लगा के हमने यहाँ लोकेशन लाया हुआ है, तो इसमें हम इफ एरर लगा देंगे ताकि ब्लैंक तो ना, नीचे तक इसको ड्रैग कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं कंडीशन देता हूं कि इफ और इफ सामने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन हो जाए, अदरवाइज ब्लैंक हो जाए। तो जो प्रोडक्ट की जो आईडी है वो खुद ब खुद जनरेट होती रहेगी। तो पहला हमारा जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो हमारा तैयार हो गया है। अब बात करते हैं स्टोर। स्टोर में हम जैसे कि प्रोडक्ट नंबर वन दिए तो और आज का डेट देते हैं, डेट ये दो चीज मैनुअली टाइप करना होगा। इसकी जो नेम वगैरह है प्रोडक्ट लिस्ट से वी लुकअप लग के आ जाएगा, इसको हमने सेलेक्ट किया और हम प्रोडक्ट में गए और हमने यहाँ से यहाँ तक लिया 1, 2, 3, 3, 0। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम आ गए और प्रोडक्ट की साइज लोकेशंस तीन चीज चाहिए इसमें। तो इसी को वी लुकअप को मैं यहाँ पे कॉपी कर, यहाँ इसमें इफ एरर भी लगाना पड़ेगा ताकि एरर ना आए। तो यहाँ पे हम इफ एरर लगा देते हैं और यहाँ पे कॉमा जीरो कर देते हैं, ब्लैंक कर देते हैं और इसको कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे थ्री है तो मैं इसका फोर करता हूँ ताकि साइज आ जाए, और यहाँ पे फाइव करता हूँ ताकि फाइव में सिक्स करता हूँ ताकि इसका लोकेशन मुझे पता चले लोकेशन क्या है। एंट्री टाइप, अभी क्या है कि स्टोर में प्रोडक्ट आता भी है प्रोडक्ट जाता भी है, तो मैं दोनों का अलग अलग सीट ना बना के एस बनाया और एंट्री टाइप में हमने दे दिया इन। अब यहां पे बात आती है स्टॉक, ले चल रही है, चार सीट बढ़ जाते हैं ना आपके। मैं
नॉर्मल एंट्री कीजिए। एक मिनट, आप अभी ऑनलाइन आ सकते हैं, आप आ जाइए, आईफी के फाइल पे काम कर रहा हूँ। 234 पासवर्ड है, हाँ मीटिंग आईडी जो मैंने दिया था वही है, आईडी जो मैंने भेजा था उसे। तो यहाँ पे स्टॉक इन हुआ, मान लीजिए क्वांटिटी हो सकता है केजी हो या क्वांटिटी पीस में हो, वो डिपेंड करता है उन पे। जैसे मैंने यहाँ पे एससी कर दिया, अब यहाँ पे आता है स्टॉक, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि इन होगा तो सम होगा और आउट होगा तो माइनस होगा, समझे। तो यहाँ पे हम, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम इफ्स निकालेंगे। सम इफ्स, सम इफ्स में हम रेंज को लेंगे, सम रेंज को, ये रहा हमारा सम रेंज, उसे देखिए यहाँ पे एक क्राइटेरिया वन रेंज, क्राइटेरिया वन रेंज में हमारा प्रोडक्ट आईडी होगा A2 से A2, और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया होगा हमारा A, क्राइटेरिया टू रेंज जो होगा वो होगा इन, और ए हमारा सम आ गया इनका। इसमें से माइनस कर देते हैं, यहां इन जो है यहां पे, ये हमारा टोटल या इसमें हमने क्राइटेरिया नहीं दिया है, F2 से F2, और यहां पे हमने F2 कर दिया। अच्छा, इसमें हम ए नहीं करते हैं, यहां पे हम ए कर देते हैं, इन मैनुअल लिखते हैं इन, और इसी में हम माइनस कर देते हैं आउट, पेस्ट, और यहां पे हम कर देते हैं आउट। स्टॉक में हमारा ये है, अगर मैं यहां पे आउट कर दूं तो माइनस में चला जाएगा इन, तो हमें यहां पे स्टॉक दिखते रहेगा। अब इसको ड्रैग करने के लिए हमने क्या किया, पहले वाले को फ्रीज कर दिया, समझ में आया ये चीज का सबको कि नहीं, किसी को डाउट, थोड़ा जूम कर दीजिए, क्या करूं, जूम कर दीजिए, हां देखिए सर, एक बार क्लियर कर दीजिए क्या हमने क्या किया। सुनिए, हमें क्या करना है यहाँ पे, ये निकालना है, स्टॉक निकालना है कि हमारा आपके कितना माल है। तो हमने एक समिफ लगाया, पहला समिफ लगाया इन के लिए कि मटेरियल कितना इन हुआ है, और दूसरा में लगाया है आउट के लिए कि मटेरियल कितना हमारा आउट, और ठीक है बैलेंस आ जाएगा, फिर बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए हम दो अलग अलग शीट करते तो दो अलग अलग एंट्री करनी पड़ती ना सर, तो हमने एक ही शीट कर दिया, राइट सर। हेलो, और ये आपका स्टॉक का भी सेम है, मैं एक काम करता हूँ इसी को कॉल कर लेता हूँ, स्टॉक भी हमारा सेम है, तो ये पहले इस ये वाले को डिलीट कर देता हूँ मैं, और ये हो जाएगा स्टॉक, स्टोर हो गया, ये हो गया स्टॉक। अब इसको नीचे हम ड्रैग कर देते हैं, नवीन जी क्या हुआ, लेट हो गए सर, ऑफिस का कॉल था, मैंने 8 बजे पहले मैसेज चेक किया था, 8 बजे से कॉल ही चालू हुआ मेरा, क्या करे समझ नहीं आ रहा मुझे, एक वर्क फ्रॉम होम और भी टेंशन है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, हम प्रोडक्ट की आईडी लिखेंगे, प्रोडक्ट डेट लिखेंगे, प्रोडक्ट की डिटेल्स हमारा स्टॉक से आ जाएगा,
हम इन डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे और हमारा स्टॉक यहीं पे आपको दिखा देगा कि हमारा स्टॉक क्या है। अब बोलोगे कि इसमें दो स्टॉक क्या है, एक देखिए एक स्टोर क्या है, एक बना बनाया माल होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने 10 प्रोडक्ट हमने बनाया, 10 प्रोडक्ट की एंट्री यहाँ पे हो जाती है। दूसरा होता है कि बन के जो माल स्टॉक में स्टोर में जाता है वो होता है रेडी प्रोडक्ट सेल के लिए पैकिंग होने के बाद। तो ये दो हमने अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल्स है, नेम फादर नेम वगैरह वगैरह यहाँ पे डाला हुआ है, और ये सैलरी पर डे के हिसाब से कैलकुलेटेड है यहाँ पे, और ये टोटल होता है, और ये जितना दिन ये हमने लगा रखा है अटेंडेंस है, और अटेंडेंस का सीट हमने बना दिया, लास्ट में हमने काउंट भी लगाया हुआ है कि जितने दिन वो आएगा उसके हिसाब से यहाँ पे काउंट आ जाएगा। और यहाँ पे आपका देखिए टोटल पे भी हमने मल्टीप्लाई किए हुए हैं और पे निकल रहा है। तो एम्प्लॉई सीट तो सिंपल है, इसमें ऑटोमेटिक अटेंडेंस को देते हुए अपने आप पे निकाल के दे देगा। ओके सर, तो अटेंडेंस और ये एम्प्लॉई सीट, ये हमारा सीट हमारा रेडी है। अब आते हैं मशीन लिस्ट पे। अब मशीन लिस्ट में हमने यहाँ पे बना रखा है, जैसे कि उनके पास बहुत सारे मशीन्स हैं, तो मशीन में से मशीन का कोड हो गया यहाँ पे, और मशीन का कोड अपने आप जनरेट हो, इसके लिए यहाँ पे हम इफ़ का फॉर्मूला देते हैं कि इफ़ इसमें मैं +1 करूँ, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे इफ सामने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर वाली वैल्यू में +1 करे, अदरवाइज यहाँ पे ब्लैंक करे। ओके, तो नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, तो जैसे वो इंची यहाँ पे करेगा अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। मशीन का कॉस्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर, यहाँ पे मशीन का कॉस्ट क्या हुआ कि जैसे कि यहाँ पे क्या है, उनको प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए कि एक माल एक आइटम बनाने में कितना खर्चा लगता है। तो ये हमारा मैन पावर हो गया, मैन पावर का डिटेल हो गई, और यहाँ पे आपका आता है मशीन लिस्ट, यहाँ पे मशीन लिस्ट आ जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक मशीन जो है कटिंग मशीन है 50,000 में परचेज किया गया है, और एवरेज उसका एज जो है 3 सालों का है, तो मतलब कि ये पर डे ₹45 की कॉस्ट पड़ रही है, और इसकी मेंटेनेंस कोर्स साल में जो है ₹6,000 लग जाता है, तो मेंटेनेंस जो है 16 लग रहा है, मतलब कि ₹62 पर दिन के हिसाब से लगता है, और इस पे इस मशीन को चलाने के लिए एक आदमी की जरूरत है। क्लियर है सर? अब बताते हैं कि अब प्रोसेस में क्या है कि यहाँ उमन देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ कि इफ इसके आगे वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर वाली वैल्यू में +1 हो जाए, अदरवाइज 0 हो जाए। प्रोसेस में क्या है, साइज हो गया, टोटल प्रोसेस हो गया, प्रोडक्ट कोड हो गया, और यहाँ पे मशीन नंबर हो जाएगा, मशीन एम कोड, और एम कोड मतलब कि जैसे मान लीजिए क्या है कि उनकी जो प्रोडक्ट होता है कई चरण में चलता है, तो PID हुआ, तो यहाँ से प्रोडक्ट का नाम हम यहाँ से VLOOKUP से उठा लेते हैं, कहाँ से, प्रोडक्ट लिस्ट से, और यहाँ पे हम देते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैं 2 3 करते हैं कॉमा 0, और यहाँ पे हम इक्वल करते हैं VLOOKUP, हमने इसको सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट लिस्ट में गए, और यहाँ से उठा लेता हूँ 3 3 0, ये हमारा प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। और ये एरर आने के चांसेस हैं तो वही हम इफ एरर का यूज कर लेते हैं, यहाँ पे इफ एरर, और यहाँ पे ब्लैंक दे देते हैं। और नीचे की तरफ सॉरी, यहाँ पे ये नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है हमारा A2 नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये क्रॉस हो जाता है, ये हम यहाँ पे कर देते हैं, ये B2 की जगह पे D D कर देता हूँ, यहाँ पर D। ये अपने आप जो है नीचे सीक्वेंस दे देगा, और यहाँ पे हम इसको भी नीचे ड्रैग कर देते हैं। अब जैसे कि इसका जो टोटल प्रोसेस माना, हमारा मान लीजिए 3 जो प्लेट है वो 3 प्रोसेस से गुजरता है,
पहला प्रोसेस कोड क्या है, वन है, और कौन सा प्रोसेस, जैसे कि मान लीजिए कटिंग का है, ये पहला हमारा कटिंग होता है और कटिंग के लिए मशीन नंबर वन यूज किया जाता है। फिर सेम हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट हमारा जिसमें प्रोडक्ट हमें एंट्री करना होगा, इसमें मैनुअल की जरूरत नहीं है, और इस पर ये फेरा हमने नहीं लगाया तो ये फेरा लगा देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि प्रोसेस मशीन थी पी आई प्रोडक्ट नंबर वन है और लैट है इसका और तीसरा प्रोसेस है, तो यहाँ पे 3x1 होगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा सिंगल कोड 3x1, 3x2 दूसरा प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस क्या है, प्रोसेस नंबर 2, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तीन ही रख दे, तीन प्रोसेस से गुजरता है। यहाँ पे क्या होगा कि एक डुप्लीकेट होगा कि ये पहला कटिंग का है, इसमें ये मशीन नंबर वन होगा, मशीन नंबर वन यूज होगा, तो यहाँ मशीन लिस्ट में हमने बता रखा है कि मशीन को, इस मशीन को रन करने के लिए क्या यूज होता है। तो कई सारे प्रोसेस होता है, कटिंग हो गया, इसका ये हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, अलग अलग कोड चलता है। तो इसमें 1 2 हमने लिख दिया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि इफ सामने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर वाले वैल्यू में प्लस वन कर दे, नहीं तो ब्लैंक कर दे। यहाँ पे प्रोसेस हो गया कि एक प्रोडक्ट को कितना प्रोसेस से गुजरना होता है, कौन सा मशीन इसमें यूज होता है, मशीन का नेम वगैरह भी वीलुकअप से उठाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अब बात करते हैं प्रोडक्शंस की, कि भाई प्रोडक्शंस है, जैसे हमने डेट डाल दिया और डेट डालने के बाद हमने प्रोडक्ट वन किया, प्रोडक्ट वन करते ही यहाँ पे प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स आ जाएगी वीलुकअप के माध्यम से, प्रोडक्ट लिस्ट से। डेट में 3 3 0, जैसे कि यहाँ पे प्लेट हो गया, और सेम इफ एरर लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, इफ एरर यहाँ पे कॉमा 0। ये प्रोडक्शन हो गया कि अब प्रोडक्शन जो जितना जितना प्रोडक्ट बढ़ेगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे हमारा साइज हो जाएगा, साइज 3 की जगह पे यहाँ पे 4 हो जाएगा, और आईडी इसमें रो मटेरियल का हो गया, ये आपका रो मटेरियल है कि इसमें कौन सा रो मटेरियल यूज हो रहा है, उसका क्या साइज है और कॉस्ट कितना है। तो रो मटेरियल का कोड है, तो 3 4 तरह के रो मटेरियल हो सकते हैं, जैसे कि रो मटेरियल 1 हमने यहाँ पे कर दिया प्लेट, साइज हो गया 4x2, कॉस्ट मान लीजिए इसका 20 रुपये केजी चल रहा है इसका, तो 20 रुपये हम डाल दिए, जो भी होगा एमआरपी हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे वीलुकअप आईडी 1 से 1, बाकी अपने आप उठ के आ जाएगा वीलुकअप, इसको सेलेक्ट किया हमने, और ये हमारे रॉ मटेरियल पे जाएगा और इसको सेलेक्ट करेगा, और कॉमा 1 2 3 4, 2 होगा ना, 2 कॉमा 0, और इसको भी हम इफ एरर दे के वीलुकअप लगा देते हैं। सर समझ में आ रहा है कि दिन सर के ऊपर से जा रहा है? हेलो, ये समझ में आ रहा है सर? क्योंकि ये देखिए एक कोई आपके डेली बेसिस पे यूज होने वाले चीज नहीं है, ये क्या है, एक कंपनी का, कंपनी के लिए जो बना बना हुआ है वो है सर। तो हाँ, रो मटेरियल, तो रो मटेरियल का क्वांटिटी मतलब ये हुआ कि रो मटेरियल का कितना क्वांटिटी यहाँ पर है, ये रो मटेरियल नेम हो गया, अब यहाँ पे ये है इसका मतलब कि क्वांटिटी मैनुअल लिखना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए कि हमने इसको 50 kg हमने रॉ मटेरियल दिया है इसको बनने के लिए, प्रोडक्ट कोड क्या है और प्रोडक्ट के जो है प्रोसेस कोड, मान ये प्रोडक्ट कोड नहीं है, प्रोसेस कोड है, कि प्रोसेस कोड क्या है, क्या चल रहा है, मतलब कि इस प्रोडक्ट वन का क्या बना, समझे? तो यहाँ प्रोसेस का देना पड़ेगा आपको, प्रोसेस कोड 1 2 2 0, ये हमारा प्रोसेस कटिंग है।
रिक्वायर मैन है वो देना होगा, भाई कंपनी के हिसाब से कितने आदमी इसमें लगने चाहिए कटिंग के लिए, मशीन जो यूज हो रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे रिक्वायर मैन हम यहाँ पे प्रोसेस में 3 2 है ना, 2 कर देते हैं, 3 रिक्वायर मैन है। और एक्चुअल मैन कितना लगा, रेडी कितना हुआ, बेस्ट कितना लग निकला, बेस्ट का डिफरेंस। तो रेडी इसका केजी में होता है, तो ये यहाँ पे क्या होगा जो हमारा ये मटेरियल माइनस रेडी, ये हो गया बेस्ट ना, कि 50 केजी हमारा रॉ मटेरियल यूज हुआ। यहाँ एक्चुअल एक बंदा ही काम कर रहा था, रेडी मान लीजिए इसमें 35 केजी हुआ और बेस्ट हमारा 15 केजी निकलना चाहिए ना सर, तो 15 केजी नहीं 13 केजी निकला है, तो 2 केजी का डिफरेंस हुआ, मतलब कि 2 केजी ऐसा माल था कि वो बहुत डस्ट बन गया जिसका वेस्ट में भी नहीं आया। और स्टार्ट टाइम मान लीजिए कि 10 बजे शुरू हुआ और ये 50 केजी बनने में हमारा मान लीजिए कि 12 बजे तक का टाइम लिया, तो ऑपरेशन टाइम कितना हुआ, तो 12 - 10, तो ऑपरेशन टाइम जो है मिनट में यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो मिनट में कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ देंगे टेक्स्ट का फॉर्मूला और यहाँ पे कर देंगे मिनट, एम मिनट में हो गया 90, राइट सर। अब यहाँ पे लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगा पता है सर, तो लेबर कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले अब यहाँ पे जैसे लेबर लगा एक्चुअल मैन, अब यहां पे लेबर लगा, यहां पे एक थोड़ी सी चैलेंज आ रहा है, चैलेंज क्या लेबर कॉस्ट टाइम, यहां पे मशीन लिस्ट में तो कॉस्ट दिया हुआ था, मशीन का कॉस्ट है ना, वो लेबर कॉस्ट हमारा आ गया। ओके वो कहीं पे फिक्स करना पड़ेगा राइट। हाँ तो बेसिकली क्या है कि अगर एक लेबर है तो कोई बात नहीं, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि कंपनीज में हर तरह के लेबर होते हैं ना, क्या बोल रहे हो, किसी की सैलरी कम होती है, किसी की सैलरी ज्यादा होती है, करेक्ट। किसी का कॉस्ट ज़्यादा होता है, किसी का कॉस्ट कम होता है ना सर, तो इसमें सलाह दीजिए क्या करें हम इसके लिए। ये अटेंडेंस शीट है, ये एम्प्लॉई का डेटा है जहाँ पे एम्प्लॉई की सैलरी स्लिप बनी हुई है। सर सैलरी को कैटेगरीज में अगर ये करते हैं तो ए कैटेगरी बी कैटेगरी लाइक दिस, वो ऊपर लगाना पड़ेगा, एग्जैक्ट चाहिए ना हमको सर। इसके लिए एक किया जा सकता है कि यहां पे हमें देना होगा यहां पे लेबर कॉस्ट, एक बंदा एक मशीन पे काम करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा तो हो जाएगा, लेकिन क्या है कि एक प्रोडक्ट में हो सकता है कि दो से ज्यादा तीन लोग काम करें, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगा ना सर, क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है ना। ये तो सर इसी के लिए निकलेगा ना लेबर कॉस्ट, तो ये जैसे कि मान लीजिए कटिंग करने के लिए 50 90 इसका 90 मिनट का टाइम लगा है, अब 90 मिनट, अब जैसे मान लीजिए कि एक बेसिकली ये इनका यही मेन फोकस यही है कि कॉस्टिंग करना, उनका मेन यही है कॉस्टिंग करना कि आखिर हमारा प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट लग रहा है, क्योंकि वो क्या है कि अभी लेबर को मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे रखे हुए हैं, उनका पर्पस है कि अपने लेबर को मंथली नहीं उनको ठेके पे दे दें कि भाई तुमको पर पीस के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा मिलेगा, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम कैश कितना रखें, मतलब उनको फायदा नहीं बुझा रहा है कि लेबर को अगर हम ठेके पे दें तो फायदा है या फिर डेली बेसिस पे काम कराएं तो फायदा है,
तो पहले वो डेली बेसिस के हिसाब से काम करवाएंगे, 3-4 महीने का डेटा रखेंगे और 3-4 महीने का डेटा आपको एनालाइज करेंगे और फिर एक्चुअल निकाले, एवरेज निकालेंगे कि भाई पर पीस का लेबर कॉस्ट कितना लग रहा है, मशीन कॉस्ट कितना लग रहा है, बिजली का बिल कितना लग रहा है, तो फिर जाके आगे चल के उसके उस पर जो है कॉस्टिंग कॉस्ट कटिंग वगैरह पे ध्यान देंगे। बात समझ में आया? जी जरूर। चलिए फिर तो तो वो यहाँ पे एक और काम, यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमें देना पड़ेगा डेट, देना पड़ेगा डेट, डेट के बाद देना पड़ेगा ईएमपी और यहाँ देना पड़ेगा प्रोसेस। ठीक है, जी सर। प्रोसेस कोड, पी कोड हो गया और उसके बाद इसका पे डेली पर डे, पे पर डे और यहाँ पे पर मिनट। समझ गया? हेलो, जैसे कि मान लीजिए 1 तारीख को एम्प्लॉय नंबर 1 पी प्रोसेस कोड, जो हमारे यहाँ पे प्रोसेस कोड है ना प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोसेस में प्रोसेस के लिए काम किया है तो प्रोसेस कोड 1 हम डाल देंगे। तो इसका हम वी लुकअप लगाएंगे, वी लुकअप लगा के इस एम्प्लॉई का सैलरी एम्प्लॉई कोड से निकाल लूंगा मैं, पर डे सैलरी टोटल दिख रहा है आपको सर? हेलो, जी सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 12 दिया कॉमा 0, तो 320 रुपया पर डे सैलरी है। तो हमें क्या करना है, 8 घंटे का शिफ्ट है, मान लीजिए 12 घंटे का शिफ्ट है, 8 घंटे का शिफ्ट है, आवर हम दे देते हैं, तो 12 घंटे का शिफ्ट हुआ, 12 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड आवर, मिनट निकल गया ना सर, मिनट निकल गया। और फिर इसके ऊपर ए आपका 720 मिनट हुआ, तो 320 इसको डिवाइड हुआ 320 से ना सर, 2 रुपये 25 पैसे का क्या हुआ इसका, पर डे का पर मिनट का चार्ज हुआ, राइट सर? ठीक है सर। तो 2 2 रुपये 25 पैसे का मिनट का चार्ज हुआ। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्शन पे आऊँगा, लेबर, 12 आवर की शिफ्ट है ना सर, हाँ 12 आवर की शिफ्ट है ना जैसे। हाँ तो शिफ्ट अपने हिसाब से चेंज भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, सम निकालूंगा। बट यहां पे ध्यान रखे कि एक प्रोसेस में एक लेबर एक दिन में काम करे, अलग अलग प्रोसेस में काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, या एक ही एक दिन का एक ही एंट्री होगा, एक दिन का एक एक प्रोडक्ट के एक प्रोसेस का एक एंट्री होगा, दो नहीं होगा। हेलो सुधीर जी, आ गए? तो यहां पे सम इफ्स लगेगा, सम इफ्स सम रेंज, हमने बोला लेबर कॉस्ट मुझे सम ए करना है। हेलो हेलो, सर, आवाज आ रही है? राइट आ रही है, आ रही है। राइट, थैंक यू। और यहां पे इसके बाद हमारा जो डेट है, हमने यहाँ पे लेबर कॉस्ट में आया और डेट को लिया, प्रोडक्शन में आया डेट को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद वापस डेट टाइम के अकॉर्डिंग देंगे। क्या बोले, टाइम से मतलब हमें प्रोसेसर लैब में आया और पी कोड को सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो पी कोड है हमारा प्रोसेस कोड, ये पी कोड है, इसको ले लिया। ये आ गया सर, लेबर कॉस्ट ये निकल गया पर डे। इसमें दो, अगर मान लीजिए दो लेबर ने काम किया है, कि दो लेबर ने काम किया है तो यहां भी एंट्री हो जाएगी, 1 जनवरी में एक प्रोसेस के लिए एम्प्लॉय का नंबर 2, पी कोड 1 और इसका पूरा डिटेल यहां से उठ के चलाएगा वी लुकअप से। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, अगर दो ने काम किया दोनों का सम यहां दिखाएगा, एक करेगा तो एक का कौन दिखाएगा, लेबर कॉस्ट यहां पे हमने निकाला हुआ है।
और प्रोडक्शन में लेबर कॉस्ट ने एक मिनट में इतना उसको पे करना हुआ, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मिनट से, तो इतना मिनट्स इसको नंबर फॉर्मेट में देना है, 202 रुपया कॉस्ट लगा। मशीन कॉस्ट, मशीन कॉस्ट भी हमारा जो यहाँ पे मशीन का प्रोसेस है उस पर आते हैं, तो मशीन कॉस्ट पर डे का हमारा ये निकल रहा है, निकल रहा है ये भी सर उसी में निकाल लेंगे मिनट में। हाँ तो यहाँ हम इसको पहले ये करते हैं, वीलुकअप करते हैं, वीलुकअप, वीलुकअप में मशीन नंबर होगा यहाँ पे कहीं सर, नहीं मशीन नंबर नहीं है, एम कोड नहीं है ना, मुझे एम कोड करना पड़ेगा यहाँ पे, एम कोड में हम यहाँ ये नॉर्मल डालेंगे, एम कॉस्ट यहाँ निकालेंगे, वीलू का इसको हमने सेलेक्ट किया और हमारे मशीन मशीन पे चले जाएंगे, मशीन लिस्ट पे, और इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 9, 0, तो मशीन आ गया। हाँ इसमें 1 डालते हैं, हाँ तो यहाँ मशीन का कॉस्ट आ जाएगा, और हम फिर इस मशीन कॉस्ट जो निकला है डे के हिसाब से निकला है, तो 712 घंटे का 720 मिनट था ना सर, सात सौ बीस मिनट निकाला था मैंने, घंटे देख लेंगे वो अपने पे डिपेंड करता है, तो यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइड बाई 720 और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 690, ये हमारा मिनट जो है 990 मिनट्स, ये हमारा जो मिनट है 90 इससे ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमारा ये आपका लेबर कॉस्ट प्लस मशीन कॉस्ट, और उसके बाद मटेरियल कॉस्ट जो है केजी के हिसाब से कोई मटेरियल का दिया हुआ है ना, ये हम लोग ले कर लेंगे। टाइम हो गया मशीन कॉस्ट क्या, मशीन कॉस्ट वो मटेरियल मशीन कॉस्ट आ गया यहाँ पे, टाइम कहाँ टाइम, अच्छा इसको नंबर बना देता हूँ, 210 आ गया। अब यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल का होता है कि रॉ आईडी हो जाएगा और यहाँ पे कॉस्ट हो जाएगा, हमने इसमें कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया ताकि उसकी प्राइस को ले ले, वीलुकअप इसको हमने सेलेक्ट किया और रॉ मटेरियल में चले गए और यहाँ पे कॉमा 1, 2, 3, 4 एक पर केजी के हिसाब से है, और हमने जितना रॉ मटेरियल यूज किया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हम टोटल मटेरियल ये रहा इससे, और फिर इसमें हम क्या करेंगे माइनस करना होगा क्या वेस्ट, समझे, इसका वेस्ट भी तो निकलता है, बेस्ट का जो प्राइस है ये रॉ मटेरियल में ही बेस्ट का भी है, इसमें मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, आया तो यहाँ पे रॉ मटेरियल में मुझे 1, यहाँ पे 1, नेम वीलुकअप लगा लेंगे यहाँ पे, और कॉस्ट मान लीजिए कि मुझे ये जो है 8 रुपये के जी हमारा बिकता है, तो प्रोडक्शन में A2 यहाँ दिख रहा है हमारा, A2 को हम यहाँ से नहीं लगा देते, ये हमारा वेस्ट जो है एरर, हमारा मटेरियल
cost to. समझिए जो फाइल को समझिए थोड़ा सा, ठीक है? अब यहाँ पूरा आया नहीं, अच्छा आपके प्रोडक्ट लिस्ट होंगे, आपके पास जितने भी प्रोडक्ट आएंगे खरीदेंगे आप चाहे बनाएंगे, उस प्रोडक्ट का पूरा लिस्ट यहाँ रखेंगे, जो भी मैंने सेल करना होगा, सेल परचेज सब भी, जो भी प्रोडक्ट है आपका सब देना। अच्छा अच्छा अच्छा, परचेज का भी, रॉ मटेरियल भी मतलब डालना है? हाँ सब कुछ डालना है। यहाँ पे स्टोर लोकेशन है और उसको आपने आपके यहाँ पे आपका अपना स्टोर क्लियर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ स्टोर आईडी हो गया, यहाँ पे हो गया कि रूम नंबर, जोन, सेक्शन, रैक, और रैक के कौन से लेफ्ट साइड में, साइड में, ये तो मैंने आपका यूट्यूब पे सर देख लिया था, स्टडी कर लिया था वाला पार्ट, तो ये आपको ये दोनों क्रिएट करना पड़ा। जो मेरे को मेरा मेन समझना है कि जो प्रोडक्ट लिस्ट आपने बनाई है, इसमें मेरा फाइनल प्रोडक्ट का नाम भी आएगा? हाँ सारा जो भी आपके स्टोर में स्टोर करते हैं ना उसका पूरा आएगा, मतलब स्टोर का भी आएगा, स्टॉक का भी आएगा, और हाँ, जो मैं रॉ मटेरियल भी, तो भी आएगा, नहीं आप स्टॉक भी तो किसी जगह भी करेंगे, स्टोर भी जाके करेंगे ना? नहीं नहीं सर, मेरा स्टोर और स्टॉक दो अलग अलग चीजें मैंने बताई थी, स्टोर क्या है, मेरा हार्डवेयर का स्टोर रूम है। सुनिए आप अगर बाहर से कच्चा माल खरीद के लाएंगे तो उसको भी स्टोर रूम में ही स्टॉक करेंगे ना, उसके लिए आपने अलग ही स्टोर रूम बना रखा होगा। हाँ जी ना, हाँ जी, तो उसको भी मान लीजिए आप किसी नए बंधु को बोलोगे कि भाई फलाना रॉ मटेरियल लेके आओ, तो उसको भी तो लोकेशन देना पड़ेगा आपको। हाँ जी हाँ जी, तो ये आपका स्टॉक लोकेशन हो गया, रूम नंबर बाइज हो गया, रूम नंबर में हो सकता है एक रूम में बहुत सारी चीज रखा हो, उसके जोन बना दीजिए, सेक्शन बना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो मैं समझ गया आपकी बात। हाँ तो यहाँ पे आप अपने जो भी रॉ मटेरियल, इसमें एक प्रोडक्ट एक बार एंट्री होगा। हाँ जी, अब नया कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं या नया कोई रॉ मटेरियल लाते हैं जिससे पहले आपने कभी नहीं लाया, बिल्कुल नई, तब इसकी एंट्री होगी। इसमें आपको काम इस सीट में सिर्फ एक बार अभी फर्स्ट टाइम काम करना है, इसके बाद इसमें काम नहीं करना आपको, ठीक है? समझ गया? जब नया पर बनाओ तो जो मैं रॉ मटेरियल एंट्री करूंगा वो भी करूंगा इसके अंदर, और जो स्टॉक मेरा जो रेडी मटेरियल होता है उसका नाम भी डालूंगा इसमें। हाँ हाँ, एक बार क्रिएट कर देना है बस, मतलब मेरी फैक्ट्री में ए टू जेड जितनी आइटम है सारी की सारी इसमें आएंगी। हाँ भले इसमें मेरी इसमें 500 नाम हो जाए। हाँ ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि जैसे आपने स्टॉक लाया, स्टॉक स्टोर के में जाएंगे तो आपको स्टोर एंट्री करनी है, तो इसमें जस्ट आपको नंबर दे, अब यहाँ पे पी आई डी प्रोडक्ट आई डी जो यहाँ जनरेट की हुई है वो लिखना है, डेट किस डेट की एंट्री कर रहे हैं वो लिखना है, बाकी अपने आप आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे करवाया ताकि हर जगह पे आपको एंट्री ना करना पड़े, ठीक है? एक जगह एंट्री कर दी, ए बी लुकअप कॉल कर रहा है, अब यहाँ पे इन है आउट है, राइट? और यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे, यहाँ पे अवेलेबल स्टॉक दिख जाएगा, सबसे लास्ट वाला एंट्री में अवेलेबल स्टॉक दिखोगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे और एंट्री किया, यहाँ पे आउट कर दिया, तो अपने आप यहाँ पे स्टॉक घट जाएगा आपका। सिर्फ उसी प्रोडक्ट का पता लगेगा जिस प्रोडक्ट का स्टोर में एंट्री डालूंगा। हाँ, तो इन और आउट की एंट्री आप यहाँ पे डालेंगे, तो अभी जितने भी माल आपके ऑफिस में अभी आपके स्टोर में है वो सबकी एंट्री पहले इन में करनी पड़ेगी, ताकि आपका स्टॉक यहाँ एंट्री हो जाए और स्टॉक एंट्री हो जाए, दोनों सेम ही है, ठीक है? ठीक है, उसके बाद ऐसे तो सर ये स्टोर के अंदर आगे हम एंट्री आउट इन आउट करते जाएंगे तो पेज नीचे बहुत लंबा चला जाएगा, ऐसे तो मंथली फाइल बना लीजिएगा, क्या दिक्कत है? अच्छा, और नीचे चला जाएगा क्या, कौन सा इसमें एक्स्ट्रा खर्च लगने वाला है? 10 लाख का एंट्री है सर, आराम से चलेगा 4-5 साल। हाँ जी हाँ जी, क्या ठीक है ठीक है। और जो जब आपको ऐसा लगे कि फाइल बड़ा हो रहा है तो फाइल चेंज कर दीजिएगा, फाइनल स्टॉक डाल के चेंज कर दीजिएगा। और तो वो फिर सारी एंट्री दोबारा प्रोडक्ट लिस्ट की सारी करनी पड़ेगी, कॉपी कर लीजिएगा इससे। अच्छा, कॉपी कर लीजिएगा और फाइनल स्टॉक में फाइनल डाल दीजिएगा बस। तो फिर सबकी स्टॉक दोबारा डालने पड़ेंगे इसमें, एंट्री दोबारा एंट्री डालनी पड़ेगी सबकी, कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, लास्ट एंट्री जो होगी उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। नहीं, लास्ट एंट्री तो सिर्फ एक आइटम की होगी ना। हाँ, तो उसी के स्टॉक की कॉपी कर लीजिएगा ना। ये स्टॉक किसका आएगा इसमें, अब मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि जैसे आपने इन आउट करा, मैंने जैसे इसमें मेरी आप सपोजिंगली प्रोडक्ट लिस्ट में 10 आइटम दी। हाँ देखिए, एक आपका एक जो आपका यहाँ पे देख, दो चीज हमने बनाया, स्टोर एंड स्टॉक बनाया। स्टॉक आपका होगा रेडी मटेरियल जो फैक्ट्री से बन के आया और मार्केट में सेल होने के लिए गया। अच्छा, ये स्टॉक मटेरियल हो गया। हाँ जी, समझ गया। ये आपका स्टोर हो गया जो आपके रॉ मटेरियल खरीदा के आए और आपके स्टॉक में रखा है। जो रॉ मटेरियल आए, हाँ जी, आपके स्टोर में रखा गया और फिर जब फैक्ट्री को प्रोडक्शन में जरूरत पड़ा तो निकाल के ले गया। ठीक है ना,
ठीक है सर। फिर नया खरीद के, जब नया खरीद के मंगवाइएगा तो इन होगा, और प्रोडक्शन के लिए जाएगा तो आउट होगा। अब सर मैं ये समझना चाह रहा हूँ इस पॉइंट पे कि जैसे प्रोडक्ट, एक बार प्रोडक्ट लिस्ट खोलिए, इसमें आप नंबरिंग कर दीजिए PID 1 to 10 तक की। मैं एक मिनट रुकिए, अभी अभी सुधीर जी ये फाइल कंप्लीट नहीं हुई, अभी जस्ट 30% कंप्लीट हुआ, ठीक है ना? अच्छा, 30% कंप्लीट हुआ है, तो ये मैं सोचिए कि मैं कैसे करूँगा। अभी आपको जो अभी फाइल में तो कल भेजूंगा आपको, तो करना है आपने प्रोडक्ट की सारी एंट्री करनी है। समझ गया मैं आपको, ठीक है इसको तैयार करना है। उसके बाद आपको पहला एंट्री जितने भी प्रोडक्ट है उनके फाइनल स्टॉक रखने हैं जो अभी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है सभी अभी इनमें ही होगा, ठीक है। ऐसे ही आपके ये आपके रॉ मटेरियल, ये आपका मान लीजिए मैं इसका आगे लगा देता हूँ रॉ, आर लगा देता हूँ, ये आपके रॉ मटेरियल है जो कि प्रोडक्शन के लिए जाएगा। ठीक है बिल्कुल। सेल मटेरियल है जो कि सेल के लिए जाएगा। ठीक है, समझ गया? समझ गया जी। तो इसमें आपके पास जितना मटेरियल रॉ मटेरियल अभी है उसकी एंट्री करेंगे, और स्टॉक बना बनाया है जो सेल के लिए रेडी है वो इसमें एंट्री करेंगे आप। ठीक है करेक्ट। फिलहाल वन टाइम एंट्री करनी पड़ेगी ना, वन टाइम एंट्री करनी पड़ेगी। और ये प्रोडक्ट लिस्ट जो है ये मास्टर लिस्ट है, उसको मेहनत लगेगा एंट्री करने के बाद, फिर इसमें जब माल आएगा जाएगा तब एंट्री करना है। करेक्ट। मेरा इस पे पॉइंट ये है कि जब आपने आर स्टोर में एंट्री करी, इनकी एंट्री कर दी, सपोजिंगली 10 आइटम की एंट्री कर दी, नीचे 10 नाम आ जाएंगे लाइन से यहाँ पे, ठीक है सर? हाँ। लाइन से 10 आ जाएंगे। हाँ। अब जैसे इसमें कोई आउट होगा, 11th कॉलम में, 11th रो में कोई आउट हुआ तो आउट कर देंगे। हाँ। जैसे PID 1 आउट हुआ। हाँ। अभी आपने इन करा 80, स्टॉक में आ गया 80। हाँ। अब मैंने आउट करा 1 आउट कर दिया, अब एक बार 1 एक एंट्री करना थर्ड नंबर। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 1 आउट, यहाँ पे 1 किया, डेट आज का डाला कि भाई मैं आज आउट कर रहा हूँ। हाँ जी, पूरा डेटा यहाँ से उठ के नीचे तक आ जाएगा। मैं ब्रैकेट, ठीक है हो गया। अब मैंने यहाँ पे आउट किया, देखिए आउट करा, आपने करा 20, मैंने यहाँ पे 20 आउट करा, यहाँ पे देखिए स्टॉक 60 आ गया। अब स्टॉक 60 आ गया। हाँ। ठीक है सर, अब ऐसे करते करते मेरे कोई 100 आइटम डाल दूंगा इसके अंदर, और 100 आइटम ऐसे बीच में कम ज्यादा आउट होती रहेंगी। हाँ। कोई हो सकता है इन ही रह जाए, कोई हो सकता है आउट ना हो, कोई हो सकता है आउट हो जाए। हाँ। तो वो तो यहाँ पे स्टॉक दिखता रहेगा ऐसे। स्टॉक डेट वाइज आप यहाँ पे इस बनाने का फायदा ये है कि आप एक डेट पे देखेंगे कि इस डेट पे मेरे पास कितना स्टॉक था उस आइटम का, स्पेसिफिक आइटम का। डेट बाय स्टॉक निकलेगा। इसके बाद जब मैं आप, ये भी तो क्या है, ये भी मैंने ऑपरेशनल टेबल्स बनाया, फिर आपके वोटिंग टेबल बनाएंगे ना, तो अच्छा समराइज कर, जब समराइज करेंगे बेसिकली, हां फाइनल आपको स्टॉक दिख जाएगा। डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं कि स्टॉक कितना अप डाउन हो रहा है, ये सब दिखता। अच्छा, हां ये डेली बेसिस का काम हो गया। अभी अब फाइनल समराइजेशन में तब इकट्ठा लिखा हुआ आएगा ये टोटल। तो इसका एक फायदा और भी होगा कि आपको कंफ्यूजन है कि भाई उस दिन मान लीजिए कि आप 10 दिन नहीं रहे ऑफिस अपने प्लांट पे, और बंदा बोला कि यार इस दिन तक आपके मेरे स्टॉक ही नहीं था, बनाया क्या, तो आप चेक कर देख उस दिन मेरे पास स्टॉक था कितना। हाँ ठीक बात, झूठ पकड़ लेंगे कि भाई माल नहीं था, मेरे पास माल तो था। हाँ। तो इसलिए मैं ही सोच के बनाया। तो अभी आप फाइल एंट्री कर दीजिएगा, ठीक है ठीक है। तो मैं नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया, मैसेज आ रहे हैं, तो मैं माफी चाहूंगा। अभी समझ गया सर आपका प्रोडक्शन कैसे चल रहा है। तो उसी तरह एक बार और मैं आता हूँ, एम्प्लॉई में आप एम्प्लॉई डिटेल डालेंगे, यहाँ पे आपका सैलरी पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करके डाल दीजिएगा। ठीक है उसके बाद अटेंडेंस, यहाँ पे जो भी अटेंडेंस बनाएंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, सैलरी भी पे भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल ओके। उसके बाद मशीन के जितने मशीन का लिस्ट है, मशीन का लिस्ट डालिएगा, प्राइस डालिएगा, एज डालिएगा, और डालिएगा पिछले साल का, ये अपने आ जाएगा ऑपरेशन। ये डिस्कस हुआ था आपसे एक बार। हाँ बिल्कुल। प्रोसेस, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितने प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेस और कितने ये चाहिए, मशीन कौन मशीन पे यूज होगा, कितने बंदे की जरूरत, मशीन आ गया तो बंदे पता ही चल जाएगा आपको। ठीक है ये आपका फाइनल प्रोडक्शन है, इसमें आप जो जो काम आपका हो रहा है वो यहाँ पे जब आपके सामने डिस्कस किया बनाएंगे, यहाँ पे सारा कॉस्ट आपका निकल रहा है, इसको और करने की जरूरत है। दूसरा, रॉ मटेरियल जो आपने खरीदा है उसका क्या प्राइस है, यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है ना, पर डे के हिसाब से। ठीक है अब यहाँ पे हो सकता है कि प्राइस घट बढ़ रहा हो, तो यहाँ पे आपको घटाना बढ़ाना पड़ेगा,
ठीक है ठीक रो मटेरियल का आईडी चेंज कर दीजिएगा, प्राइस अगर सेम है तो आईडी सेम रहेगा, बना आईडी से नई एंट्री डाल दीजिएगा। ठीक है ठीक है, ताकि आपका प्रोडक्शन का पूरा डेटा हिले नहीं। यहाँ पे आपका वेस्टेज का है कि वेस्टेज को कितना कॉस्ट है आपका, किस वेस्टेज का प्रोडक्ट स्टॉक का रॉ मटेरियल का क्या वेस्टेज क्या रेट है, हर का रेट अलग अलग होता होगा ना सर। हाँ जी बिल्कुल, तो उसका रेट आप यहाँ डाल दीजिएगा तो प्रोडक्शन में अपने आप हो जाएगा। ये आपका लेबर कॉस्ट है, इसमें आपको ये डेली एंट्री करनी पड़ेगी कि किस दिन कौन कौन से एम्प्लॉय किस प्रोसेस पे था। ठीक है, तो क्या हुआ कि आपके एक प्रोसेस पे कई सारे बंदे काम करते एक काम करेंगे ना, तो आपका लेबर का कॉस्ट निकालने में फायदा होगा। ओके समझ गया ठीक है, बाकी वीडियो राइट ओके बाय गुड नाइट थैंक यू। हाँ जय प्रकाश जी, हाँ ज्वाइन कीजिए 234, मैं व्हाट्सएप कर ही रहा था। हाँ गुलशन जी ओके बताइए। सर अभी तो मैं दूसरा क्लास सुबह पूछ लेंगे। आप बजे क्लास में आइए बात कर लेंगे। Thank you.
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं जी सर? ठीक हूँ सर। दो मिनट दीजिए, बाकी लोग भी ज्वाइन करें, स्टार्ट करें।